हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम प्रशांत रघुवंशी है और आज हम लोग बी फॉर्म सेकेंड ईयर फर्स्ट फार्माकोलॉजी का काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं जो पूरे के पूरे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को समझने के लिए काफ़ी ज़रूरी है। ये टॉपिक है रिसेप्टार्स का क्लासिफिकेशन पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ने ऑलरेडी देखा कि मस्केरेनिक और निकोटिनिक दो तरह के रिसेप्टार होते हैं जिनको सब रिसेप्टार कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, M1, M2, M3, M4, M5, मस्केरेनिक को और निकोटिनिक को NN और NM में। तो इनके बारे में हम बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे कि ये कैसे काम करते हैं, कहाँ प्रेजेंट होते हैं, और इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि इनका सेकेंडरी मैसेंजर क्या होता है। सेकेंडरी मैसेंजर मैं बता दूँ आपको कि ये रिसेप्टार एक्टिवेट होने के बाद फिर कहीं पे कोई और चेंजेस लाते हैं, तो वो चेंजेस लाने के लिए ये कुछ और बनाते हैं, कोई प्रोटीन, कोई कस्काडा, कोई चैनल या कोई एटम मॉलिक्यूल्स को वो एक्टिवेट करते हैं, उसको सेकेंडरी मैसेंजर कहते हैं। तो अभी आगे आएगा तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ओवरऑल नर्वस सिस्टम को सोमैटिक और ऑटोनॉमिक दो पार्ट में डिवाइड किया गया। इस बेसिस पे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ऑटोमेटिक होता है। ऑटोमेटिक का मतलब है ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, बॉडी इसको खुद कंट्रोल करती है। इसके अलावा दूसरा सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो होता है ये स्केलेटल मसल में पाया जाएगा, ये वॉलेंट्री होता है, इस पे हमारा खुद का कंट्रोल होता है। ये सारे नर्वस सिस्टम चाहे सोमैटिक हो चाहे ऑटोनॉमिक हो, ये सब के सब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से ओरिजिनेट होते हैं। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को उनके फंक्शन और पोजीशन के हिसाब से दो पार्ट में सिंपैथेटिक और पैरासिंपैथेटिक में डिवाइड किया गया है। प्रीवियस वीडियो में आप जाके देख लीजिए सिंपैथेटिक पैरासिंपैथेटिक का डिवीजन कैसे हुआ है, उनमें से कौन कहाँ से ओरिजिनेट होता है, ये ऑलरेडी मैं हम लोग डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। सिंपैथेटिक सिस्टम मेनली सिंपैथी के लिए या फाइट और फ्लाइट मोड के लिए होता है। जब हमारी बॉडी को सिंपैथी की ज़रूरत पड़ती है तो सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है। जब रेस्ट और रिलैक्स मोड में बॉडी जाती है तब पैरासिंपैथेटिक एक्टिवेट होता है। एग्जाम्पल के लिए हमको भूख लगी है और अच्छा खाना देख करके हमारी भूख बढ़ जा रही है, तो ये हो रहा है पैरासिंपैथेटिक सिस्टम की वजह से। और हम खाना खाने बैठ गए, मुंह में सलाइवा बनने लगी, हमारी भूख बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तभी एकाएक भूकंप आ गया और हमको लगा कि ये बिल्डिंग गिर जाएगी, तुरंत हमारी भूख मर गई और हम बाहर की तरफ भागे, तो उस वक्त एक्टिवेट हो गया सिंपैथेटिक सिस्टम। ये एक छोटा और एक अच्छा एग्जाम्पल है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मैं आपको देते रहूँगा। तो चलिए सिंपैथेटिक पैरासिंपैथेटिक सिस्टम और सोमैटिक सिस्टम की ओरिजिनेशन कहाँ से होती है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ब्रेन से, CNS से। देखिए ये CNS की नर्व है जो सिंपैथेटिक को, पैरासिंपैथेटिक को और ये सिंपैथेटिक को, तीन क्यों तीन अभी आगे एक्सप्लेन करूंगा, रिप्रेजेंट कर रही है। तो सिंपैथेटिक, पैरासिंपैथेटिक और सोमैटिक सारे कहाँ से ओरिजिनेट हो रहे हैं, CNS से। अब देखिए सोमैटिक में ये नर्व डायरेक्टली चली जाती है स्केलेटल मसल में, स्केलेटल मसल्स में नर्व डायरेक्टली एंट्री कर जाती है, बीच में किसी और नर्व से इनर्वेट या सिनेप्स नहीं करती है। एक ही नर्व डायरेक्टली, सोमैटिक नर्व डायरेक्टली चली जाती है स्केलेटल मसल्स में। लेकिन ऑटोनॉमिक में सिंपैथेटिक और पैरासिंपैथेटिक की नर्व डायरेक्टली बॉडी ऑर्गन में ना जा करके बीच में किसी दूसरे नर्व के साथ सिनेप्स करती है या इनर्वेट करती है या एक बॉन्डिंग बनाती है जिसमें वो अपना सिग्नल न्यूरोट्रांसमीटर के फॉर्म में दूसरे नर्व को देती है। पहली नर्व अपना सिग्नल दूसरे नर्व को न्यूरोट्रांसमीटर के माध्यम से देगी और ये दूसरी नर्व ऑर्गन तक सिग्नल को ले जाएगी। ये देखिए यहाँ पे भी हो रहा है सिंपैथेटिक में, पैरासिंपैथेटिक में भी हो रहा है। तो ओवरऑल देखिए जब पहली जो ब्रेन से ओरिजिनेट नर्व है दूसरे नर्व के साथ सिनैप्स बनाती है, सिनैप्स क्या होता है इसके लिए न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमिशन का लेक्चर मेरा आप जाके देख लीजिए, तो सिनैप्स बनाती है। तो इस सिनैप्स से और CNS जहाँ से ओरिजिन हुआ था न्यूरो सॉरी न्यूरॉन्स का, तो इस
पोर्शन को प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन कहते हैं, और सिनेप्स के बाद ऑर्गन तक जाने के तक जो नर्व होती है उसको पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन कहते हैं। देखिए समझिए, यहाँ पे ओरिजिन हो रहा है, ये सिंपैथेटिक नर्व का पार्ट है, ये सिंपैथेटिक नर्व यहाँ से ओरिजिन कर रही है सीएनएस से, तो यहाँ से गैंग्लियन टर्मिनल, ये गैंग्लियन टर्मिनल है, यहाँ सिनेप्स हो रहा है, यहाँ से दूसरे नर्व को न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू सिग्नल दिया जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक के हिस्से को प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन कहते हैं। सिंपैथेटिक में भी ये होगा, पैरासिंपैथेटिक में भी ये होगा, सोमैटिक में नहीं होगा। और यहाँ से लेकर के ऑर्गन तक जाने वाली नर्व जो दूसरी नर्व है इसको पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन कहते हैं। अब आप देख रहे हैं बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि सिंपैथेटिक में प्री गैंग्लियोनिक नर्व छोटी है और पैरासिंपैथेटिक में प्री गैंग्लियोनिक नर्व, ये भी प्री गैंग्लियोनिक है, ये सारे चारों प्री गैंग्लियोनिक है, ये बड़ी है। वहीं उल्टा हो जाता है, सिंपैथेटिक में पोस्ट गैंग्लियोनिक बड़ी हो गई लेकिन पैरासिंपैथेटिक में पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व छोटी हो गई, ये डिफरेंस आ गया। अगर क्वेश्चन पूछा प्री गैंग्लियोनिक पोस्ट गैंग्लियोनिक में क्या डिफरेंस है सिंपैथेटिक या पैरासिंपैथेटिक में, या क्वेश्चन पूछा सिंपैथेटिक पैरासिंपैथेटिक में डिफरेंस बताइए, तो आप ये बता सकते हैं। अब उसके बाद सिंपैथेटिक को मैंने 1, 2, 3 बनाया और पैरासिंपैथेटिक को एक ही बनाया है, क्यों अभी आपको समझ में आ जाएगा। सिंपैथेटिक में प्री गैंग्लियोनिक नर्व जो एड्रीनल मेडुला में जाती है वो जाने के बाद वहाँ से कोई पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व नहीं निकलती, डायरेक्ट एड्रीनल मेडुला से न्यूरोट्रांसमीटर एड्रेनलिन और नॉरएड्रेनलिन रिलीज होता है। यहाँ एक चीज़ और आपको मैं बता दूँ कि प्री गैंग्लियोनिक न्यूरोट्रांसमीटर चाहे यहाँ पे हो सिंपैथेटिक में, यहाँ सिंपैथेटिक में, यहाँ सिंपैथेटिक में, या यहाँ पैरासिंपैथेटिक में, चाहे यहाँ पे क्या कहा जाता है आपके सोमैटिक में हो, ये न्यूरोट्रांसमीटर हमेशा ACH या एसिटाइल कोलीन ही होगा। देखिए ये राउंड शेप में ACH दिखाया मैंने, बॉक्स में एड्रेनलिन और ट्रायंगुलर नॉरएड्रेनलिन, तो आप देख सकते हैं यहाँ राउंड 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 ये सारा क्या है ACH है। तो कहने का मतलब है प्री गैंग्लियोनिक न्यूरोट्रांसमीटर हमेशा ACH होगा, एसिटाइल कोलीन होगा, चाहे सिंपैथेटिक की बात की जाए, चाहे पैरासिंपैथेटिक की बात की जाए, चाहे सोमैटिक की बात की जाए, कई बुक्स में सोमैटिक को भी पैरासिंपैथेटिक में ही कंसीडर किया जाता है। और न्यूरोट्रांसमीटर के रिसेप्टार की यानी प्री गैंग्लियोनिक रिसेप्टार की बात की जाए, ये रिसेप्टार यहाँ पे हमेशा इन सब जगहों पे क्या होगा निकोटिनिक होगा। सिंपैथेटिक में NN होगा, पैरासिंपैथेटिक में भी NN होगा, NN और NM दो तरह के निकोटिनिक रिसेप्टार होते हैं, अभी आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, यहाँ आप इसको याद रख लीजिए। और यहाँ पे भी आपका NN है, और यहाँ देखिए पैरासिंपैथेटिक में भी NN है और इवन सोमैटिक में भी NN है, ये रिसेप्टार आपका NM है, यहाँ पे NM हो जाएगा। तो NN रिसेप्टार सिंपैथेटिक पैरासिंपैथेटिक में है, और निकोटिनिक का दूसरा सब टाइप NM रिसेप्टार आपके सोमैटिक या स्केलेटल सिस्टम में है, कहाँ पे, जहाँ पे गैंग्लियन इनर्वेट कर रहा है दूसरे नर्व के साथ, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है कि प्री सिनेप्टिक या प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन छोटे हैं सिंपैथेटिक में, पैरासिंपैथेटिक में बड़े हैं, और सब में प्री गैंग्लियोनिकली क्या रिलीज होगा एसिटाइल कोलीन, और कहाँ बाइंड करेगा निकोटिनिक पे। अब सिनेप्टिक और सिंपैथेटिक और पैरासिंपैथेटिक में रिसेप्टार NN होगा और सोमैटिक में NM होगा, ठीक है। अब पोस्ट गैंग्लियोनिकली बात करते हैं तो एड्रीनल मेडुला डायरेक्टली रिलीज कर दिया ब्लड में, तो यहाँ पोस्ट गैंग्लियोनिकली कुछ हुआ ही नहीं, यहाँ सीधे रिलीज हो गया ब्लड में एड्रेनलिन और नॉरएड्रेनलिन, क्योंकि एड्रीनल मेडुला ही वो ऑर्गन है जो बेसिकली ज़्यादा अमाउंट में एड्रेनलिन और नॉरएड्रेनलिन बनाता है बॉडी के लिए। ये कहाँ पाया जाता है एड्रीनल मेडुला, ये एड्रिनल ग्लैंड का पार्ट है, एड्रिनल ग्लैंड किडनी के ऊपर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है दोनों किडनी के ऊपर, उसको एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं, इंडोक्राइनोलॉजी के लेक्चर में हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, अभी यहाँ इतना समझिए हमारे किडनी के ऊपर कैप लाइक स्ट्रक्चर है जिसको एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं, उसके मेडुलरी पार्ट्स है, एड्रिनल मेडुला से एड्रेनलिन नॉरएड्रेनलिन बनते हैं जब सिंपैथेटिक सिस्टम उसको एक्टिवेट करता है, ठीक है। अब सिंपैथेटिक सिस्टम नॉर्मल बॉडी में काम करेगा कैसे ये देखते हैं, ये नॉर्मल बॉडी के लिए है। ACH
प्री गैंग्लियोनिकली रिलीज हुआ, एनएन रिसेप्टर पे गया और क्या हुआ बाद में, एंड ऑफ द मतलब पोस्ट गैंग्लियोनिकली क्या रिलीज हुआ, ये ट्रायंगुलर शेप का क्या था, नॉरएड्रेनालिन, नॉरएड्रेनालिन रिलीज हुआ। ये नॉरएड्रेनालिन ऑर्गन के एड्रेनर्जिक रिसेप्टर पे जुड़ करके एड्रेनर्जिक एक्शन देगा। समझिए ध्यान से, यहाँ पे पोस्ट गैंग्लियोनिकली नॉर्मल बॉडी के ऑर्गन के न्यूरॉन्स में सिंपैथेटिक सिस्टम में क्या रिलीज होता है, नॉरएड्रेनालिन। वहीं एक एक्सेप्शन है स्वेट ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड में पोस्ट गैंग्लियोनिकली एसिटाइल कोलिन रिलीज होता है। बाकी पूरे बॉडी में एड्रेनर्जिक सिस्टम में अगर सिंपैथेटिक सिस्टम की बात की जाए, इतना सिंपैथेटिक है तो हमेशा क्या रिलीज होगा, नॉरएड्रेनालिन या एड्रेनालिन, दोनों एक ही तरह काम करते हैं। बट यहाँ पे स्वेट ग्लैंड में पोस्ट गैंग्लियोनिकली सिंपैथेटिक सिस्टम में भी क्या रिलीज होगा, एसिटाइल कोलिन। और ये एसिटाइल कोलिन जा करके बाइंड करेगा निकोटिनिक रिसेप्टर से, ये भी एनएन रिसेप्टर होगा और स्वेट का सिक्रीशन बढ़ जाएगा, क्योंकि एसिटाइल कोलिन तो उसी रिसेप्टर से बाइंड करेगा मस्कैरेनिक या निकोटिनिक से। अब यहाँ पे आपने देखा सिंपैथेटिक में पोस्ट गैंग्लियोनिकली नॉरएड्रेनालिन रिलीज हुआ। अब बात करते हैं पैरासिंपैथेटिक की, तो इसमें सेम एसिटाइल कोलिन ही रिलीज होगा। ये एसिटाइल कोलिन प्री गैंग्लियोनिकली भी पैरासिंपैथेटिक में क्या रिलीज होगा, एसिटाइल कोलिन। पोस्ट गैंग्लियोनिकली भी क्या रिलीज होगा, एसिटाइल कोलिन। लेकिन ये इस बार निकोटिनिक रिसेप्टर से बाइंड ना करके मस्कैरेनिक रिसेप्टर से बाइंड करेगा और मस्कैरेनिक रिसेप्टर को M1, M2, M3, M4, M5 से रिप्रेजेंट किया जाता है। समझ रहे हैं बात को आप लोग, समझिए मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में प्री गैंग्लियोनिकली हमेशा एसिटाइल कोलिन रिलीज होगा, लेकिन पोस्ट गैंग्लियोनिकली हर जगह पे एड्रेनालिन या नॉरएड्रेनालिन रिलीज होगा, मोस्टली नॉरएड्रेनालिन। लेकिन एक एक्सेप्शन है, वो क्या, स्वेट ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड में क्या रिलीज होगा, एसिटाइल कोलिन पोस्ट गैंग्लियोनिकली भी। लेकिन पैरासिंपैथेटिक में प्री गैंग्लियोनिकली सबके तरह एसिटाइल कोलिन रिलीज होगा, बट पोस्ट गैंग्लियोनिकली भी एसिटाइल कोलिन रिलीज होगा। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस है। तो अगर आपसे कोई पूछे सिंपैथेटिक पैरासिंपैथेटिक में डिफरेंस क्या है, तो आप ये बता देंगे। तो चलिए अब रिसेप्टर के बारे में डिस्कस करते हैं। तो स्क्रीन पे आपके सामने पैरासिंपैथोमाइमेटिक रिसेप्टर्स हैं, मस्कैरेनिक और निकोटिनिक दो तरह के रिसेप्टर होते हैं। इनमें अगर मस्कैरेनिक रिसेप्टर की बात की जाए तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ये जी प्रोटीन लाइक रिसेप्टर या जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर या जी प्रोटीन लिंक रिसेप्टर होते हैं। जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर एक खास तरह के रिसेप्टर होते हैं। इनमें जी प्रोटीन नाम की एक प्रोटीन होती है और ये एक्टिवेट होती है तो सिस्टम या तो एक्साइट होगा या इनहिबिट होगा या आयन चैनल ओपन होंगे। ये कॉम्प्लेक्स रिसेप्टर है, आप इतना याद रखिए। मस्कैरेनिक रिसेप्टर एसिटाइल कोलिन के जुड़ने से जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर टाइप का रिसेप्टर एक्टिवेट होता है। अब सिर्फ एसिटाइल कोलिन ही नहीं जुड़ सकता है, एसिटाइल कोलिन के अलावा मस्कैरीन एक एल्कलॉइड होता है। मस्कैरेनिक रिसेप्टर का नाम इसी के नाम पर रखा गया। ये एक एल्कलॉइड होता है जो पॉइजन होता है और मशरूम में, खास तरह के जहरीले मशरूम में पाया जाता है। उनके लिए भी एफिनिटी होती है मस्कैरीन के लिए। यानी एसिटाइल कोलिन तो हमारी बॉडी में बनता है, वो इंडोजीनस न्यूरोट्रांसमीटर। इसके अलावा मस्कैरीन अगर दिया जाए तो वो भी जा करके एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर से जुड़ सकता है, जिसको मस्कैरेनिक रिसेप्टर कहते हैं और ये जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर होता है। इसके अलावा निकोटीन जो कि सिगरेट स्मोकिंग में पाया जाता है, ये निकोटीन भी थोड़े अमाउंट में मस्कैरेनिक रिसेप्टर से जुड़ता है। अब मस्कैरेनिक रिसेप्टर टोटल पांच टाइप के होते हैं, M1, M2, M3, M4। ये पांचों में M1, M3, M5 एक्साइटेटरी होते हैं और M2 और M4 जो होता है वो इनहिबिटरी होता है। वहीं निकोटिनिक रिसेप्टर की बात की जाए तो ये आयन चैनल लिंक रिसेप्टर होता है। आयन चैनल लिंक रिसेप्टर ऐसे रिसेप्टर होते हैं जिनमें जा करके लीगेंड यानी कि एसिटाइल कोलिन जाके जब निकोटिनिक रिसेप्टर से जुड़ेगा तो कोई आयन चैनल, वो सोडियम आयन चैनल हो सकता है, मोस्टली वही होता है, या कोई भी आयन चैनल ओपन हो जाएगा। एसिटाइल कोलिन के अलावा निकोटीन इनसे जुड़ सकता है, निकोटीन की बाइंडिंग अच्छी होती है, रिकॉग्नाइज करते हैं,
लेकिन मस्करेनिक की बाइंडिंग काफी वीक होती है, मस्करेन जो कि मस्करेनिक रिसेप्टार पे जुड़ सकता है वो इन पे नहीं जुड़ सकता है। उसके बाद यहाँ पे एक खास बात ये है कि जब ये जुड़ता है, चाहे मस्करेनिक हो चाहे निकोटीनिक हो, निकोटीनिक रिसेप्ट दोनों रिसेप्टार पे जब एसिटाइल कोलिन जुड़ेगा तो वो उसको डिपोलराइज कर देगा। तो यहाँ पे तो एक एसिटाइल कोलिन की जरूरत पड़ती है मस्करेनिक पे, लेकिन निकोटीनिक रिसेप्टार को डिपोलराइज करने के लिए दो एसिटाइल कोलिन की जरूरत पड़ती है। और ये दो तरह के होते हैं, एनएन और एनएम। एनएन रिसेप्टार एटोनॉमिक गैंग्लिया में पाया जाता है और एनएम रिसेप्टार आपके न्यूरो मस्कुलर जंक्शन में, जो आपने देखा सोमेटिक नर्व में पाए जाते हैं, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन में। ठीक है, अब मस्केरेनिक रिसेप्टार्स को क्लासिफाई कर लेते हैं। M1 रिसेप्टार कहाँ होगा? CNS में, गैस्ट्रिक पराइटल सेल में। पराइटल सेल वो सेल है जो HCL बनाती है। तो CNS और गैस्ट्रिक पराइटल में कौन सा रिसेप्टार होगा? मस्केरेनिक का M1। और M1 रिसेप्टार क्या कर, उसका सेकेंडरी मैसेंजर क्या होगा? IP3 डैग, इनोसिटॉल ट्राईफॉस्फेट और डैग, दो अलग अलग मॉलिक्यूल हैं, ये सेकेंडरी मैसेंजर। आप ऐसे समझिए, M1 रिसेप्टार पे जाके एसिटाइल कोलिन जुड़ेगा, तो M1 रिसेप्टार CNS में भी है और गैस्ट्रिक पराइटल सेल में भी है। तो क्या होगा इन ऑर्गन में क्या होगा? IP3 और डैग बनेगा। ये प्रोटीन जब भी बनेगी तो ब्रेन में भी एक्साइटेशन करेगी और गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रीशन को बढ़ा देगी। IP3 डैग, इनके बारे में हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे रिसेप्टार्स वाले यूनिट में, जो इनिशियल यूनिट है आपकी। M2 रिसेप्टार हार्ट में होगा, ये साइक्लिक AMP, साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट को कम करेगा, तो कार्डियक साइकिल को इनिबिट करेगा, कार्डियक फंक्शन को इनिबिट करेगा, ब्रैडीकार्डिया कॉज करेगा। ठीक है, ब्रैडीकार्डिया, हार्ट रेट स्लो हो जाएगा। M3 रिसेप्टार जो होगा वो ज़्यादा जगह यही पाया जाता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड, जैसे स्वेट ग्लैंड, स्मूथ मसल, GIT। GIT के पैराइटल सेल जो एसिड बनाता है वहाँ M1 रिसेप्टार पाया जाता है, लेकिन स्मूथ मसल जो पेरिस्टाल्सिस करता है, जो इन्वॉलेंट्री होती है, ज़्यादातर स्मूथ मसल या सारी स्मूथ मसल इन्वॉलेंट्री होती हैं, जैसे GIT में, यूरिनरी ट्रैक में और ब्रोंकियल मसल लंग्स की, ये सारी ज़्यादातर इन्वॉलेंट्री होती हैं, बट कुछ वॉलेंट्री भी होती हैं। तो इनमें M3 रिसेप्टार पाया जाएगा। इसके अलावा आई में और वेस्कुलर इंडोथीलियम, ब्लड वेसल्स की इंडोथीलियम में भी M3 रिसेप्टार पाया जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट पॉज करके ले लीजिए, फिर आप इसको आराम से, नोट्स बनाने में परेशान मत होइए, आराम से बनाइएगा, बट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। और इस यहाँ पे जो सेकेंडरी मैसेंजर होगा वो IP3 डैग होगा। पहले ही हम लोग नाम डिस्कस कर चुके हैं। क्या करेगा ये? एक्साइटेशन करता है, सिक्रीशन ऑफ ग्लैंड्स बढ़ा देगा, मेंशन है यहाँ पे, सिक्रीशन ऑफ ग्लैंड बढ़ा देगा, रिलैक्सेशन ऑफ स्फिंक्टर, स्फिंक्टर को रिलैक्स कर देगा। कौन से स्फिंक्टर को? यूरिनरी ब्लैडर के स्फिंक्टर को रिलैक्स करेगा, यानी यूरिन का पास होगा, स्फिंक्टर रिलैक्स हो जाएंगे, कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं रहेंगे तो यूरिन बाहर निकलेगा, स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन करेगा, स्मूथ मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो लंग्स को भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जिसके वजह से क्या होगा, स्मूथ मसल लंग्स में पाई जाती है, कॉन्ट्रैक्ट करेगी स्मूथ मसल तो लंग्स कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे, तो हम बहुत ज़्यादा खुल के सांस नहीं ले पाएंगे, यानी इस वक्त हमको बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है लंग्स को। इसके अलावा यूरिन का पास अच्छे से होगा, सिलियरी सर्कुलर और सिलियरी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करके आई को कॉन्ट्रैक्ट करेगा और वैसो डायलेशन करेगा एनओ को रिलीज करके। ये सारे एक्शन हम डिटेल में आगे की क्लास में पढ़ने वाले हैं, यहाँ मैं आपको बेसिकली बताना चाह रहा हूँ कि कैसे ये काम करता है। M4 रिसेप्टार ये साइक्लिक AMP को कम करेगा और नियोस्ट्रेटम में पाया जाएगा। नियोस्ट्रेटम रिस्पॉन्सिबल होता है मेमोरी अराउजल, अराउज यानी कि जागृत रहना, जागृति के लिए, और क्या कहा जाता है, अटेंशन एंड और एनल्जीसिया, एनल्जीसिया यानी कि पेन महसूस ना होना, इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो साइक्लिक AMP को नियोस्ट्रेटम में कम करके
क्या किया जाता है, मेमोरी को बढ़ाया जा सकता है, अटेंशन को बढ़ाया जा सकता है, पेन को सप्रेस किया जा सकता है और जागृति को बढ़ाया जा सकता है, अपने जागृत अवस्था को, यानी जगा होना। ठीक है, M5 रिसेप्टर सब्सटेंशिया नाइग्रा में पाया जाएगा, ये IP3 डैक के थ्रू काम करके यही सारे फंक्शन करेगा, मेमोरी अराउजल इन सबको बढ़ाएगा, अटेंशन को बढ़ाएगा और एनल्जीसिया को बढ़ाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट दोनों पेज का ले लिए होंगे। आज का लेक्चर यहीं खत्म हो रहा है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीधे अब ड्रग को डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू, शुक्रिया, बाय बाय। और अपने स्टूडेंट्स, अपने और भी क्लासमेट्स को, टीचर्स को या और भी कॉलेज के स्टूडेंट्स को बताइए, शेयर करिए, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइबर बढ़ें। और होपफुली आपको क्लियर हो रहा होगा, अगर आपको प्रिंट क्लियर नहीं हो रहा, आप चाहते हैं कि मैं थोड़े बड़े बड़े और लिखूं, तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, अपने सजेशंस दीजिए ताकि मैं उनको अप्लाई करके और अच्छा कर सकूं। थैंक यू।